नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ओनली न्यूज नेशन में। बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर फिर साधा निशाना। जी हां, तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के हाथ आईटी रेड पर घमासान। राहुल बोले, आईटी सीबीआई को उंगलियों पर नचाती है सरकार। जी हां, जैसे जैसे तापसी अनुराग के यहां छापा पड़ा है, वैसे ही राहुल गांधी फिर से मोदी पर निशाना साधने से पीछे नहीं हट रहे हैं। आईटी रेड के बाद राहुल ने फिर से मोदी को इसका जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के द्वारा एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा गया है। राहुल गांधी ने गुरुवार को ट्वीट करते हुए कुछ मुहावरे के जरिए केंद्र सरकार पर तंज कसा। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बीते दिन अनुराग कश्यप तापसी पन्नू के ठिकानों पर हुई रेड से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि कुछ मुहावरे उंगलियों पर नचाना केंद्र सरकार ये आईटी सीबीआई और ईडी के साथ करती है। भीगी बिल्ली बनना यानी केंद्र सरकार के सामने मित्र मीडिया। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, जैसे केंद्र सरकार किसान समर्थकों पर रेड कराती है। हैश मोदी रेड्स प्रो फार्मर्स। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से लगातार सोशल मीडिया के जरिए मोदी सरकार पर तीखे वार किए जा रहे हैं। फिर चाहे चीन का मसला हो या फिर अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो, कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पहले महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र कांग्रेस, शिवसेना समेत अन्य विपक्षी पार्टियां ने इससे सरकार के बदले की कार्रवाई करार दिया है। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री अशोक चव्हाण ने भी बीते दिनों बयान दिया था कि मोदी सरकार की ये कार्रवाई दर्शाती है कि वो बदले की भावना से काम कर रही है। वहीं शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ट्वीट करके कहा कि उम्मीद है कि देश में जल्द आयकर विभाग, सीबीआई और आईडी बंधुआ मजदूरों के माहौल से बाहर निकलेंगे। अनुराग कश्यप तापसी पन्नू से आईटी की पूछताछ चल रही है। गौरतलब है कि आयकर विभाग की कई टीमों ने बीते दिन मुंबई पुणे के करीब 30 जगहों पर छापेमारी की है। ये सभी जगह अनुराग कश्यप की कंपनी फैंटम और कुछ अन्य फिल्म प्रोडक्शन से जुड़ी हुई थी। इनके अलावा आयकर विभाग ने तापसी पन्नू को के मैनेजर माफ करिएगा इसके अलावा आयकर विभाग ने तापसी पन्नू को मैनेज करने वाली कंपनी के ठिकानों पर भी छापेमारी की। आयकर विभाग ने इस छापेमारी के दौरान कई कागजातों को खंगाला, लैपटॉप की जांच की। इतना ही नहीं, पुणे में अनुराग कश्यप तापसी पन्नू से देर रात तक आयकर विभाग सवाल भी करता रहा। ये थी खबर तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के छापेमारी से जुड़ी। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल खबर में बस इतना ही। खबर में आगे बने रहने के लिए जुड़े रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।